हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं बच्चों की टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ। सुबह का टाइम है तो मैं कढ़ाई सबसे पहले गैस पे चढ़ा देती हूँ और गैस को सिम कर देती हूँ। तेज़ पर नहीं रखूँगी वरना कढ़ाई जल्दी गर्म हो जाएगी और मैं तैयारी नहीं कर पाऊँगी। और मैं बता देती हूँ कि मैं बना क्या रही हूँ। मैं बना रही हूँ गुड्डू की डिमांड पर ब्रेड पकौड़े। तो मैंने ये बेसन लिया है और इसको मैंने छान लिया है। इसमें मैंने धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च, हल्दी ये सब डालकर मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। पहले इसको मैं चम्मच से मिक्स कर लूँगी, उसके बाद मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके डालूँगी। पानी आप एकदम से ना डालें, धीरे धीरे करके डालें। उससे पता चल जाता है कि हमें कितना रखना है। और अभी मैं बच्चों के टिफ़िन के लिए ही कर रही हूँ, बाद में अपने और इनके लिए करूँगी। तो अभी मैंने बेसन थोड़ा सा ही घोला है तो मैं इसको अच्छे से फेंट लूँगी। और जितना मुझे ये गाढ़ा रखना है या पतला रखना है उस हिसाब से मैंने इसको कर लिया है। तो मैंने इसको इतना रखा है और इसको मैं साइड में रख दूँगी ताकि ये जितना फूलना है बेसन उतना अच्छा रहता है जितना फूलता है। तो मैंने इसको साइड में रख दिया है और 10 से 15 मिनट पहले ही हमें बेसन को घोलना चाहिए। तो अब मैं आलू को हाथों से मैश कर लूँगी और उसके बाद मैं इसमें अपने सूखे मसाले डाल दूँगी। थोड़ा सा अमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, नमक, लाल मिर्च और थोड़ा सा मैं इसमें गरम मसाला डालूंगी। बच्चों के लिए बना रही हूँ तो ना इसमें मैं अभी प्याज डाल रही हूँ, ना धनिया डाल रही हूँ, ना हरी मिर्च डाल रही हूँ। ये सब मैं बाद में डालूंगी जब अपने और इनके लिए बनाऊंगी। और मेरा मन था कि मैं इन आलू को थोड़ा सा फ्राई करती, फिर मैं इसमें ब्रेड जो है उसमें आलू को भरती, लेकिन थोड़ा जल्दी होता है सुबह के टाइम तो इसलिए मैंने ऐसे ही कर दिया है फटाफट। जब मैं शाम वाम में बनाती हूँ तो मैं कर लेती हूँ आलू को थोड़ा सा फ्राई और बहुत ही टेस्टी ब्रेड पकोड़े लगते हैं वो। तो मैं ये वाली मैंने छोटी सी कड़छी ले ली है जिससे मैं आलूओं में सारे मसालों को अच्छे से मिक्स करूँगी, क्योंकि अभी मुझे बच्चों को क्रीम वगैरह लगानी है तो इसलिए मैं हाथों से नहीं कर रही हूँ। मुझे डर लगता है बच्चों के फेस पे ना लग जाए कुछ मिर्च वगैरह। तो मैंने 4 ब्रेड के पीस ले लिए हैं, वाइट ब्रेड लिया है मैंने और इसके जो चारों कोने होते हैं जो हार्ड पार्ट होता है ब्रेड का, और बहुत सारे बच्चों को मुझे लगता है कि वो पार्ट ब्रेड का नहीं पसंद होता है। जब मैं कई बार बच्चों को ब्रेड मक्खन वगैरह बना कर देती हूँ तो वो निकाल देते हैं, तो इसलिए मैंने उसको चक्कू से पहले ही निकाल दिया है। और अब मैंने इसमें जो ब्रेड को लिए थे 4 पीस उसको मैं आलू को अच्छे से भर दूँगी चारों तरफ। दोनों ब्रेड पहले मैं इस तरीके से तैयार करके रख लूँगी, फिर मैं इसको बेसन में डिप करके तेल में छोड़ दूँगी। तेल मैंने कढ़ाई में चढ़ाया हुआ है पहले से ही, वो गरम हो गया है अच्छे से। तो अब मैं इस ब्रेड को जिस भी हमें शेप में इसको काटना है, अगर आप इसको बीच में से काटना चाहते हैं बीच से काट सकते हैं, अगर आप इसको सीधे में काटना चाहते हैं सीधे में काट सकते हैं। तो मैंने इसको इस तरीके से काट लिया है और पहले मैं ब्रेड को जब बेसन में डिप करूँगी तो पहले उसकी वो तीनों चारों साइड जो हैं उन पे बेसन करूँगी, बाद में मैं ब्रेड को पूरा उसमें दोनों तरफ से बेसन लगाऊंगी। तो ऐसा मैं दूसरी ब्रेड को भी ऐसे ही करूँगी सेम। उसके बाद मैं इसको तेल में छोड़ दूँगी, तेल नहीं रिफाइंड लिया है मैंने। तो दोनों तरफ से अच्छे से मैं इन ब्रेड पकौड़ों को सेक लूँगी और उसके बाद मैं दोनों का टिफ़िन लगा दूँगी। और जब भी मैं इनको टिफ़िन में कुछ देती हूँ, चाहे वो ब्रेड पकौड़े हों या फिर पराठा हो या फिर कुछ भी हो जो मैं इनको देती हूँ टिफ़िन में, उसके साथ मैं थोड़ा सा फ्रूट्स रख देती हूँ या ड्राई फ्रूट्स रख देती हूँ अगर कई बार फ्रूट्स नहीं होते हैं तो। तो बस ये बन चुके हैं। तो मैंने इसमें और बेसन घोल लिया है, पहले मैंने थोड़ा सा ही किया था बच्चों के लिए, अब मैं अपने लिए और विपिन के लिए बना रही हूँ। तो ये काफ़ी है क्योंकि दो दो ही बनाने हैं। तो इसको मैं साइड में रख देती हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए और मैंने इसको अच्छे से फेंट दिया है। और अब मैं एक प्याज ये बारीक बारीक काट लूंगी और दो ये हरी मिर्च है और ये धनिया है। थोड़ा सा जो साबुत धनिया है
वो मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा। इसको जो है मैं बेलन, इसको मैं बेलन से पीस लूंगी पहले थोड़ा थोड़ा सा, ताकि ये दर दरा हो जाए, साबुत ना रहे। तो मैंने इसको इस तरीके से कर लिया है। अब इन सारी चीज़ों को मैं आलूओं में अच्छे से मिक्स कर दूंगी। नमक मिर्च वगैरह सब मैंने पहले ही डाल रखे थे, सिर्फ अभी मैंने इसमें प्याज डाला है, हरी मिर्च, धनिया और साबुत धनिया डाला है। एक साइड मैंने अदरक वाली चाय बना ली है, और इस तरीके से मैंने अभी आलू नहीं डाले हैं इनके अंदर, इनको काट के रख लिया है इस तरीके से। और इधर की भी मैंने गैस चला दी है, कढ़ाई की भी, ताकि इतने तक कढ़ाई जो है गर्म हो जाए। बच्चे स्कूल जा चुके हैं और अभी तक वो भी नहीं आए हैं बच्चों को छोड़कर, तो अब मैं बना लेती हूँ अपने बाकी के ब्रेड पकौड़े उनके लिए और अपने लिए। अब मैं इस ब्रेड पे ये जो मैंने कल हरे धनिया की चटनी बना के रखी थी वो लगा लूंगी, और हल्की हल्की लगाऊंगी क्योंकि मैंने तीखी बनाई थी, मुझे मिर्ची वाली चटनी अच्छी लगती है तेज मिर्च की, तो इसलिए मैं हल्की हल्की लगाऊंगी क्योंकि मैंने लाल मिर्च भी डाली है आलूओं में, हरी मिर्च भी है। तो चटनी अच्छे से चारों तरफ ब्रेड पे मैंने लगा ली है। अब उसके बाद मैं इसमें आलू की पिट्ठी जो मैंने तैयार करके रखी हुई है वो फैला दूंगी। और इस वक्त अगर आप इसमें एक चीज़ और ऐड करना चाहते हैं, अगर आपको पसंद है, तो आप इसमें आलू दूसरा पीस ब्रेड का रखने से पहले इसके ऊपर चीज़ लगा सकते हैं। कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं आप चीज़ को, या फिर आप उसका जो स्लाइस आता है उसको कट करके ब्रेड की शेप में लेकर वो भी लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। मैं एक दो बार ट्राई कर चुकी हूँ ब्रेड पकौड़ों में, एक दो बार इसलिए क्योंकि ब्रेड पकोड़े हर रोज़ तो बनते नहीं है, महीने में एक बार या दो, एक महीने में एक बार ही बनते हैं। आज भी मेरे ब्रेड पकोड़े जब मैं बना रही हूँ तो शायद 3-4 महीने बाद बना रही हूँ। तो अभी मैं सुबह सुबह का टाइम है इसलिए उसको चीज़ को यूज़ नहीं कर रही हूँ। अगर मैं शाम में बना रही होती तो मैं ज़रूर कद्दूकस करके इसमें इस वक्त चीज़ को ज़रूर लगाती। तो मैंने ये सारे ब्रेड इस तरीके से भर लिए हैं आलू से, और इन पे हरी वाली चटनी लगा ली है। अगर आप चाहें तो इस पे टमाटो केचप वगैरह भी लगा सकते हैं। कई तरीकों से बनती हैं चीजें, सबके अपने अलग अलग तरीके होते हैं, तो मुझे ये इतना नहीं पसंद है। तो ये जो मैंने बेसन का घोल तैयार करके रखा था, अब उसमें मैं ब्रेड को अच्छे से लगा लूँगी ब्रेड के ऊपर बेसन को। और इस तरीके से मैं ये जो सारे ब्रेड मैंने तैयार करके रखे हुए हैं इनको भी मैं एक एक करके ऐसे ही कर लूँगी, और फिर मैं इनको अच्छे से अलट पलट के सेक लूँगी, फ्राई कर लूँगी। और इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं, समोसे हों, ब्रेड पकौड़े हों, पकौड़ियाँ हों या टिक्की हों, ये बहुत ही टेस्टी लगती हैं चाय के साथ। तो मैं एक ब्रेड रोल भी बना रही हूँ, मेरा मन आया कि ब्रेड भी है और आलू की ये भी बनाई हुई है। और इन आलू को मैं फ्राई इसलिए नहीं किया क्योंकि सुबह का टाइम है, जल्दबाजी में था थोड़ा। तो ये बन गया है ब्रेड रोल, अब मैं इसको डालती हूँ कढ़ाई में। तो मैं इनका और अपना नाश्ता ले आई हूँ, आप लोग भी खा लीजिए। तो सारा काम निपटाने के बाद मैं लेट गई थी और मेरी आंख लग गई, मुझे पता ही नहीं चला। और अभी मैंने टाइम देखा तो 12:30 बज रहे हैं, और ये सुबह में सब्जियां लेकर आए थे जब गुड्डू और को स्कूल से छोड़कर आए थे। आजकल मैं सब्जियां फ्रूट सुबह में ही मंगा लेती हूँ क्योंकि सुबह के टाइम अच्छे मिलते हैं और दिखते भी है कि हाँ भाई साफ सुथरे हैं कि नहीं है, क्योंकि ये तो नहीं देखते कि मैं कैसे फ्रूट्स ले रहा हूँ, कैसी सब्जियां ले रहा हूँ। भैया को पैसे देने होते हैं, भैया ने सब्जी देनी होती है, भैया की भी कोई गलती नहीं है, सब्जी वाले भैया की, क्योंकि उनको क्या भाई सबको कमाना है। अब सामने वाला नहीं देख रहा तो उनकी क्या गलती है, उन्होंने थोड़ी मना किया कि यहाँ पे सब्जियां, इनको मुझे खाली करना है। तो इनको तो मैं फ्रीजर में रख दूंगी क्योंकि स्ट्रॉबेरी जो होती है बहुत जल्दी खराब हो जाती है। मुझे तो ये लगता है कि ये सिर्फ 24 घंटे ठीक से चलती है, उसके बाद ये गलने लगती है, अजीब सी होने लगती है। तो मैं क्या करती हूँ कि इनको फ्रीजर में रख देती हूँ, फिर ये खराब नहीं होती है। काट के धोकर अच्छे से किसी एयर टाइट में मैं इसको रख देती हूँ, और वैसे भी ये ज्यादा दिन तक चलती नहीं है, मैं इतनी ही मंगाती हूँ, तो ये कल शाम तक खत्म हो जाएंगी। दही में डालकर मैं इसको कर लूंगी स्मूथी वगैरह जिनको बोलते हैं, लस्सी, मैं लस्सी बोलती हूँ उसको, तो मैं लस्सी बना लूंगी, बच्चों को दे दूंगी।
और आज मैं बनाऊंगी फ्रूट क्रीम। तो मैंने उसके लिए कुछ फ्रूट्स मंगाए थे, क्योंकि मुझसे आपने से कुछ लोगों ने बोला था, सबने नहीं बोला था, तो मुझे फ्रूट क्रीम बनानी है, आप लोगों के साथ शेयर करना है। अमूल की फ्रेश क्रीम जो होती है वो मैंने मंगाई है। ये देखिए, मैंने कहा था ना कि ये खराब ले आते हैं, ये देखिए सारा खराब है, इधर से भी खराब है, इधर से भी खराब है, इधर से भी खराब है। फिर ये वीडियो देखेंगे तो बोलेंगे बाद में कि तुम मेरी बहुत बुराई करती हो। और ये देखिए, इधर से भी ये खराब है, इधर से भी ये खराब है, क्या करूं मैं इनका। सिर्फ सब्जी वाले भैया ने फिर सोचा, यार इसको तो मैंने सारे ही खराब दे दिए, तीन आम लिए हैं, तीनों खराब दे दिए, तो चल एक ठीक दे देता हूं। तो उन्होंने दो खराब दे दिए, एक ठीक दे दिया। इन दोनों में से एक आम के बराबर निकलेगा या उससे भी कम निकलेगा, ऐसा करते हैं ये। भाभी के घर चलते हैं। मैंने आटा निकाल के रखा है जो थोड़ा सा रात का था, थोड़ा सा आटा गूंथ दिया है। जो आलू की पिट्ठी बची हुई है उसके मैं पराठे बना दूंगी इनके लिए। तो मैं बना रही हूँ फ्रूट क्रीम और 10 बजने वाले हैं, खाना हम लोगों का हो गया है। मैंने बनाया था आलू बीन्स की सब्जी और सिंपल रोटियां। और आज गर्मी ना, इतनी गर्मी हो रही है, आज से ज्यादा गर्मी अभी तक नहीं हुई, मतलब सर्दियों के बाद से अभी तक का, जब से गर्मी शुरू हुई है 23 अप्रैल है आज, बहुत गर्म दिन है आज का, बहुत ज्यादा। किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। मैं इसको इस बाउल में निकाल लूंगी और सारे फ्रूट्स जो है मैंने कट करके रखे हैं। तो ये मैंने सेब ले लिया है जिसको मैंने इस तरीके से काट लिया है, और ये आम है इसको मैंने इस तरीके से काट लिया है। आप फ्रूट को कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये अंगूर है, अंगूर मैंने दोनों तरह के लिए हैं, काले और हरे वाले दोनों। और ये स्ट्रॉबेरी है, और ये चीनी है पीसी हुई, चाहे तो इसमें कंडेंस मिल्क भी डाल सकते हैं, और आप इसमें जो है शहद का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने ये ले लिया है, या दूसरा कोई मीठा जिससे आप इसको मीठा करना चाहते हैं वो यूज कर सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इस क्रीम को इसमें डालूंगी। तो ये जो क्रीम मैंने इसमें ली है, अब मैं इसको इस ब्लेंडर से अपने इसको मैं फैट लूंगी अच्छे से। आप चाहें तो इसको जो हाथ वाला होता है उससे भी कर सकते हैं, या फिर आप दूसरे वाला कोई यूज कर सकते हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले ये जो मैंने चीनी पीस के रखी है वो मैं इसमें डाल दूंगी। सेब है ये भी, फ्रूट्स आप अपनी मर्जी से ले सकते हैं, जैसे केला भी ले सकते हैं आप, इसमें अनार भी ले सकते हैं। ये मैंने इसलिए बचा लिए हैं, थोड़े से मैं ऊपर से डाल दूंगी, और अब इसको थोड़ी देर मैं फ्रिज में रख दूंगी, उसके बाद हम लोग खा लेंगे इसको। इसको मेहमान वगैरह आ रहे हैं उनके लिए परोस रहे हैं, या फिर कुछ स्पेशल है तब आप इसको करना चाह रहे हो, और स्पेशल तरीके से करना चाह रहे हैं तब आप इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह ऊपर से डालकर दे सकते हैं, अनार के दाने ऊपर से डालकर दे सकते हैं। अब वो अच्छे लगते हैं देखने में भी, कटोरियां अच्छी लगती हैं, और खाने का मन जो है दोगुना हो जाता है। तो मैंने दोनों बच्चों की कटोरियां लगा दी हैं, और ऊपर से जो फ्रूट्स मैंने बचाए थे वो डाल दिए हैं। अभी मैं अपने लिए और इनके लिए भी लगाऊंगी। अगर आप फ्रूट्स की जगह ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, बादाम, काजू, पिस्ता, जो भी आपको डालना है ऊपर से वो आप इसमें डाल सकते हैं। क्योंकि पहले हम किसी भी चीज़ को नज़रों से देखते हैं, नज़रों से होकर वो ज़ुबान तक जाती है। तो चीज़ अगर देखने में अच्छी लग रही है तो खाने में तो उसका स्वाद दोगुना बढ़ जाता है। तो अगर हम प्लेट लगा रहे हैं या कुछ भी चीज़ खाने की परोस रहे हैं, तो उसको अगर सही ढंग से परोसा जाए तो बच्चों का भी मन कर जाता है कि हाँ ये चीज़ हमें खानी है। तो ये मैं उन दोनों को देकर आती हूँ, और अब मुझे यही वीडियो का एंड करना है। तो चलिए अब मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए, बाय बाय, गुड नाइट।